नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका StudyIQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच का डिफरेंस। ये टर्म हम कई बार सुनते रहते हैं, हमने कितनी बार इसको आर्टिकल 21 से रिलेट करके पढ़ा है, और हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि ये टर्म इंटरचेंजेबल है, ये दोनों सिमिलर टर्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आज हम देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया और फाइनली कैसे वो कल्मिनेट हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप StudyIQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillive से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझे @kapilsikka ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे बात की गई है कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन मिलेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट करेगा बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं टर्म मेंशन नहीं है, बिल्कुल ये टर्म कहीं पे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो फिर कैसे हम इस टर्म तक पहुंचे? तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं 1947 की हिस्ट्री पे। जब 45-46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी 46-47 में कि हम आर्टिकल 21 को कैसे डिजाइन करें, अंबेडकर का ये मानना था कि आर्टिकल 21 में, जो अब आर्टिकल 21 बना है, उसमें हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टर्म रखनी चाहिए। हमारे एक कंसल्टेंट हुआ करते थे जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, ये US सुप्रीम कोर्ट में उस समय कार्यकर थे, जज थे, ये एडवाइस किया करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हमें। अब जब सर बेनेगल नरसिंह राव ने इनको ये प्रपोजल भेजा कि हमें आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी रखना चाहिए, तो वहां से रिप्लाई आता है कि आप अभी एक नई कंट्री हो, आपके जो कोर्ट है और जुडिशरी है वो बहुत नए तरीके से काम करेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप पे केसेस के बर्डन जो है वो बढ़ते जाएंगे, और ऐसे में अगर आप एक टर्म रख देते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो आपकी कोर्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार इंटरप्रेट करना। इसलिए आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रखिए, एक ऐसा टर्म रखिए जिसमें कोर्ट का सिर्फ ये काम हो कि वो प्रोसीजर को चेक करे और आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करे। तो फिर आइडिया यही हुआ कि अम्बेडकर का जो मानना था कि हमें आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रखना है, इसे उस समय निगेट कर दिया गया, और जो फाइनल आपके पास शेप लेके आया आर्टिकल 21 वो मॉडर्न डे का है। अगर हम अंबेडकर के वर्ड्स में पढ़े तो अंबेडकर ये चाहते थे कि नॉर शैल एनी स्टेट डिप्राइव एनी रीजन एनी पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अंबेडकर एक ओपन इंटरप्रिटेशन चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन का। अंबेडकर चाहते थे कि जुडिशरी के पास, जजेस के पास एक पावर रहे कॉन्स्टिट्यूशन को ओपनली इंटरप्रेट करने की। लेकिन फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की राय पे, ये बात उनकी भी सही थी, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा या अपने जजेस को बहुत ज़्यादा ओपन इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं देनी थी, हमें बस उनको ये पावर देनी थी कि वो ये चेक करते रहें कि पार्लियामेंट जो भी लॉ लेके आ रही है वो आर्टिकल 21 को निगेट तो नहीं कर रहा। अगर वो लॉ एक प्रोसीजर के थ्रू बना है, यानी पार्लियामेंट ने उसको बनाया है, तो फिर आर्टिकल 21 पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा लॉ आता है जो आर्टिकल 21 को निगेट कर देता है और उस लॉ को पार्लियामेंट ने बनाया है, तो फिर पार्लियामेंट ने जो किया है सही किया होगा, ये मान के जुडिशरी को आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसी के चलते आपने देखा काफ़ी लंबे समय तक हमारे जो कोर्ट्स हैं वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे चलते रहे। अब समझते हैं कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जैसे अभी हमने आर्टिकल 21 देखा कि किसी से भी लाइफ और लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, पहली बार ये मुद्दा उठाया गया कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पार्लियामेंट का चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेके आती है, उस एक्ट के चलते एक अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अपोजिशन लीडर कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरा आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी और लाइफ दोनों इन्फ्रिंज हुआ है, सरकार एक ऐसा लॉ ले आई है जिसमें वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है
उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है मुझे अरेस्ट करने के, फिर भी क्योंकि मैं अपोजिशन पार्टी से हूं, मैं सीपीआई से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से हूं, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है जिससे कि मैं इलेक्शन में इनके लिए खतरा ना बन जाऊं। कोर्ट ने इस पूरे मैटर को पढ़ा, कोर्ट ने यह देखा कि सरकार के मंसूबे क्या है, मंशा क्या है, ये हमारे चिंतन का विषय नहीं है। हम इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे कि सरकार के दिमाग में या सरकार ने किस आइडियोलॉजी से इस लॉ को पास किया होगा। हम बस ये देखेंगे कि ये जो लॉ पास है ये पार्लियामेंट की सहमति से आया है, इसमें पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से प्रिवेंटिव रिटेंशन एक्ट को पास किया है, मतलब पार्लियामेंट ने एक प्रोसीजर स्टैब्लिश कर दिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये प्रिवेंटिव रिटेंशन एक्ट आया है। बस हम इतना देखेंगे कि ये जो लॉ है ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से है, अगर ये पीएल के थ्रू आया है तो हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम वैलिडिटी पे जाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो लॉ है ये वैलिड है या नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, पार्लियामेंट ने पास किया है, हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्यों पास किया गया। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पार्लियामेंट ने किसी रीजन से पास किया होगा और वो रीजन नेशनल सिक्योरिटी है, तो इसलिए कोर्ट ने ए के गोपालन की याचिका को, उनकी लिटिगेशन को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और ये कहा कि आपका जो डिटेंशन है वो वैलिड है। यहां कहा जाता है कि कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन लिया आर्टिकल 21 का। उसी बेंच में एक जज बैठे थे, जस्टिस फजल अली। फजल अली ने पहली बार एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया, पहली बार भारत की कोर्ट में एक जज ने बाकी बेंच से अलग होकर एक जजमेंट दिया। जस्टिस अली का कहना था कि देखो हम ये तो देख रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो एस्टैब्लिश किया है लॉ द्वारा, ठीक है, जो विधि द्वारा ही आपने लॉ को बनाया है, लेकिन क्या उस लॉ को बनाते समय हमने ये देखा है कि सामने वाली जो पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है जिसको आपने अरेस्ट किया है, उसको भी सुनने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने ये लॉ वन साइडेड बना दिया, आपने ये लॉ सरकार के फेवर में बना दिया, आपने ये लॉ में ये नहीं देखा कि जिसे आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके भी कुछ राइट्स हैं, तो यहां पे आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर कर दिया। पार्लियामेंट से कहा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर कर दिया और साथ ही साथ ऑडी अल्टरम पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है कि लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल, सामने वाले की भी सुनो कि वो क्या कह रहा है, दोनों पक्षों की सुनो और फिर कोर्ट जो है डिसाइड करे, आपने इस प्रिंसिपल को भी निगेट कर दिया। तो इसी के साथ एक जज ने क्या डिसेंटिंग व्यू दिया था, लेकिन मेजॉरिटी और तो जजमेंट जो थी या मेजॉरिटी ऑफ बेंच ने यही कहा था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के चलते एके गोपालन का डिटेंशन वैलिड है। और वहीं पे हमने देखा कि आर्टिकल 21 को हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से पढ़ने लगे और हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब आगे जब हम चले, काफी लंबे समय के बाद हमने कुछ एक 20 साल के बाद देखा एक केस और आता है जिसमें, जिसको हम बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से जानते हैं। बैंक नेशनलाइजेशन केस में कोर्ट थोड़ा सा लीनियंट हुआ। कोर्ट ने पहली बार ये देखा कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से, लेकिन उस लॉ को बनाते समय गवर्नमेंट सामने वाले की प्रॉपर्टी और पर्सनल लिबर्टी दोनों को निगेट कर रही है, दोनों को विशिएट कर रही है। कोर्ट ने पहली बार कहा कि देखो सरकार ने एक लॉ तो बनाया है, लेकिन लॉ को हम मान रहे हैं कि लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हम क्वेश्चन करते हैं। और पहली बार एक मौका दिया कोर्ट ने, एक लिबरलाइज्ड तरीके से मौका दिया कि देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो हमने लिया ही लिया है, लेकिन हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जब फाइनली इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में फिर से कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को निगेट कर दिया। कोर्ट ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला में, आप देखेंगे बहुत फेमस केस है, हिबिस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, कोर्ट ने मीसा 1971 में, मीसा 1971 जो एक्ट आया था उसमें कुछ डिटेंशंस को वैलिडेट किया और कोर्ट ने आर्टिकल 21 को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा इमरजेंसी में आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंडेड माना जाएगा। तो यहां पे फिर से कहा जाता है कि कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया। कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ये जो एक्ट सरकार लेके आई है ये एक्ट जस्ट नहीं है, रीजनेबल नहीं है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 नहीं है। फाइनली जब बात अगर आप कहेंगे, फाइनली अगर आप कहेंगे कि कब हमारे कंट्री में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया, तो देखो वैसे तो इस केस में जस्टिस खन्ना ने भी एक तरह से फाउंडेशन रख दी थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। जस्टिस खन्ना ने भी कह दिया था
कि मीसा 1971 में अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो वो बात ठीक है, लेकिन आप किसी का आर्टिकल 21 नहीं ले सकते क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। फाइनली केस आता है मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और कोर्ट ने पहली बार कहा हम सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि जो विधि है वो पार्लियामेंट ने बनाई है इसलिए सही है, हम ये भी देखेंगे कि जब पार्लियामेंट उस विधि को बना रही थी क्या पार्लियामेंट रीजनेबल ग्राउंड्स पर उसको लेके आई, पार्लियामेंट के पास कोई फेयर रीजन है, कोई जस्ट आर्ग्यूमेंट है, यानी पार्लियामेंट इस लॉ के थ्रू जस्टिस कर रही है, कहीं ऐसा ना हो इस लॉ के थ्रू पार्लियामेंट इनजस्टिस करने लग जाए लोगों के साथ। इसलिए आज हम कहते हैं कि कोई भी अगर एक्ट पार्लियामेंट बनाती है तो हम उसको आर्टिकल 21 में टेस्ट करेंगे, अगर वो किसी की लाइफ और लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि ना तो वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बना है बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी उसमें फॉलो किया गया है। अब फिर से एक बात आ जाती है कि ये जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सारे टर्म्स इससे पहले कहाँ आए थे। देखो अगर हम बात करें प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो ये हमने ब्रिटिश कोर्ट से लिया था, हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये यूएसए का एक ये कंसेप्ट है, ये यूएस कोर्ट्स में पहली बार लाया गया था, यूएस कोर्ट्स इसे काफी लंबे समय से यूज करती आ रही हैं, इंडिया ने इसे 1976 से यूज करना शुरू किया। क्या अभी भी कोर्ट्स में आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज किया जाता है? देखो 1976 में कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया या ये बता दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी एक कॉन्सेप्ट है और इसे यूज किया जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है अलग अलग केसेस में अलग अलग जजेस अलग अलग सिनेरियो को लगाते हैं, बहुत सारे केसेस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो यूज किया ही जाता है, साथ ही साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस अभी भी हैं जहां पे जुडिशरी जो है वो रिजेक्ट कर देती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। अगर हम बात करें खड़ग सिंह केस की, सुनील बत्रा केस की, तो दोनों जगह कोर्ट ने राइट टू लाइफ को एक्सपैंड किया है, राइट टू लाइफ के मतलब को एक्सपैंड किया है और कहा है कि जीने का मतलब मात्र एनिमलिस्टिक जीना नहीं होता, डिग्निटी के साथ जीना होता है, तो यहां पे एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया। लेकिन वहीं हाल ही में एक केस आया राजबाला, जिसमें राजस्थान पंचायत में यह कह दिया गया कि अगर किसी फीमेल को या फिर किसी भी पर्सन को पंचायती इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन लड़ना है तो दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो इसे चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जो लॉ है एकदम सही है, इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया एकदम सही है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया। हाई कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे चाइल्ड प्लानिंग जो है वो फीमेल के हाथ में नहीं होती, पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल के हाथ में होती है, और ऐसे लॉ लाने से सिर्फ और सिर्फ फीमेल सर कैंडिडेट्स ऐसी हैं जो वंचित रह जाएंगी, कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगी अपने डेमोक्रेटिक राइट से। वहीं एक और केस आया शेख जाहिद मुख्तार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया और ये कहा कि स्लॉटर हाउसेज या स्लॉटर ऑफ अदर देन काउ, मतलब कोई भी और एनिमल है उसका स्लॉटर हो रहा है, जो भी मीट के लिए यूज किया जाता है, बफलो है, शीप है, गोट है, तो ये सारी चीजें अलाउड होनी चाहिए और इस पर गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती। यहाँ पे क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने कहा राइट टू फूड या राइट टू चॉइस ऑफ फूड भी एक आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब आप आर्टिकल 21 देखेंगे तो उसमें कहीं भी राइट टू चॉइस ऑफ फूड नहीं लिखा, लेकिन कोर्ट ने कहा राइट टू चॉइस ऑफ फूड जो है वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो ये इसी तरह हम समझ सकते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अब कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये कहता है, जहां पे कोर्ट बस ये देखती है कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर लेके आई है, अब वो लॉ ठीक है नहीं है, लॉ लाने के पीछे क्या मंशा थी, ये कोर्ट का कंसर्न नहीं है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको हमने यूएसए से लिया लेटर स्टेज में, वो ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया, हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो लॉ आया है वो फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है। वैसे तो हमने देखा अंबेडकर ने 1947-48 में ही क्लियर कर दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पार्ट होना चाहिए, लेकिन उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, या फिर आप कहिए कि कोर्ट पे इतना ज़्यादा बर्डन लेने की, अब कोर्ट्स इतना ज़्यादा बर्डन ले नहीं सकते थे, इसलिए उस समय हमने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को साइड में रख के सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को रखा, नहीं तो हम भी यूएस की तरह इसको उस समय रख सकते थे। लेकिन 1978 में हमने देखा कोर्ट ने इसको ऑफिशियली अप्रूव किया, फाइनली कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया कि भारत में आर्टिकल 21 में
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। यानी सिर्फ ये ना देखें कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो सब ठीक है, ये भी देखें कि पार्लियामेंट का लॉ बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यही दोनों के बीच का डिफरेंस है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब लॉ जो बनाया गया है लॉ उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी ड्यू डिलीजेंस के साथ या रीजनेबल आस्पेक्ट के साथ फॉलो किया गया है। और इसी ड्यू प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, इसी ड्यू प्रोसेस को यूज करते हुए कोर्ट ने ओवर द टाइम आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया और बहुत सारे राइट्स इसमें डाल दिए। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर वो राइट जो आपके जीने के लिए जरूरी है, चाहे वो साफ हवा हो, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, राइट टू इंटरनेट, ये सारी चीजें ओवर द टाइम कोर्ट जो है वो ऐड करता रहा है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।